नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बिजली कर्मचारी भी उतरे रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में। बिजली निगम कार्यालय के समक्ष धरना देकर जताया रोष। सरकार पर हठधर्मिता का लगाया आरोप। कर्मचारियों की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को मिला स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा का समर्थन। देखते रहे पल पल की यह विशेष रिपोर्ट। आज रात से हरियाणा की सरकार के मजबूर करने के पश्चात हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन जो है शुरू किया है, जिसमें बिजली कर्मचारी रात 10 बजे से हड़ताल पर हैं। पब्लिक हेल्थ और अन्य जो विभाग हैं, B&R है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, सभी विभाग जो है आज हड़ताल पर हैं, जिसमें विशेष कारण जो है कल तालमेल कमेटी के बीच और सरकार के बीच हुई बातचीत को सकारात्मक तरीके से मनसा बना करके जिसको सफल नहीं किया गया। जो अधिकारी बैठे थे, चाहे उसमें खुल्लर साहब हो, चाहे ACS ट्रांसपोर्ट हो, उनका मकसद केवल मात्र कर्मचारियों को टरकाना था, जिसको लेकर के तालमेल कमेटी की वार्ता के विफल होने के पश्चात घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित सभी यूनियनें और हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारी जो है आज हड़ताल पर हैं। और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक रोडवेज के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल जाता। और मैं आपके माध्यम से पुनः ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द जो है किसी प्रकार का निदान करे, अन्यथा ये आंदोलन यदि लंबा चलता है तो प्रदेश में इसका जो है कुप्रभाव होगा, जो भविष्य में इनको भी देना आएगा। साथ ही साथ मैं ये एक और बता देना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से कि कल से प्राइवेट ट्रांसपोर्टर भी जो हैं वो भी हड़ताल पर होंगे। इसका सामना करना, पहले ही सरकार जो है ट्रांसपोर्ट का इंतजाम सही ढंग से जनता के लिए नहीं कर पा रही है और कल के बाद जो है सरकार के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इस बात का सामना करना, जो कि आपके माध्यम से पुनः मेरा आग्रह है कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का निदान करें। यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है, जो हड़ताल पर है कर्मचारी वो काम नहीं करेंगे। हमने किसी प्रकार की बिजली बाधित करने का अन्य प्रकार का किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है, लेकिन यदि लाइन खराब हो जाती है तो हमारा कर्मचारी ठीक करने के लिए नहीं जाएगा।